नमस्कार, गांव कनेक्शन में आपका स्वागत है। अभी हम आपका ध्यान एक बहुत ही अहम खबर की तरफ दिलाना चाहते हैं। खबर नेपाल से जुड़ी हुई है, लेकिन उसका सीधा वास्ता हमसे है, हमारे व्यापारियों से है, हमारे किसानों से है। नेपाल ने पिछले कुछ दिनों से भारत की जो सब्जियां हैं जो यहाँ, उनको लेने से इनकार कर दिया है। इनकार की प्रक्रिया सीधे नहीं है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से है, क्योंकि इसका सीधा मामला जुड़ा हुआ है जो दो देशों के बीच व्यापार से है, और उसके बीच में जो कहानी है वो है पेस्टिसाइड की, कीटनाशक की। नेपाल का ये कहना है कि भारत के जो फल सब्जियां हैं उनमें कीटनाशक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इसके लिए आंदोलन भी किया था। इसके बाद में अभी पिछले कुछ दिनों से नेपाल ने जो भारत की सब्जियों से भरे ट्रक हैं उनको रोक दिया है और कहा है कि आप जाँच करिए, खुद लेकर के आइए। व्यापारी परेशान हैं, उनको घाटा होने का अंदेशा है, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं जब भारत के का कोई प्रोडक्ट जो है, कोई उत्पाद जो है, कोई कम्युनिटी है, कोई जींस जो है, कहीं पे रोकी गई है। हमारे सहयोगी मिथिलेश हैं जो लगातार इस मुद्दे पे काम करते रहे हैं, देखते रहे। मिथिलेश, भारत में ये सही भी है कि भारत की जो में पेस्टिसाइड की जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं, जो हमारे किसान, वो बहुत ज़्यादा है। आज नेपाल ने कहा, इससे पहले भी कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए कि भारत में ये हो रहा है। हाँ, तो मैं तो थोड़ा सा इसमें जोड़ दूँ, आपने जो नेपाल वाला बताया कि नेपाल ने जो रोक लगाई है बस सब्जियों पर नहीं है, उन्होंने फलों पे भी रोक लगाई है। उनका कहना ये है कि जो उनके मानक होते हैं, हर देश के मानक होते हैं, वो बताते हैं कि अगर आप बासमती चावल, जैसे कि बहुत सारे जो यूएन कंट्री है, यूएन जो देश है, उन्होंने कहा है कि अगर आप बासमती चावल में कीटनाशक लगाते हैं तो उसका एक मानक होना चाहिए, उस मानक के लेवल के ऊपर वो बोलते हैं कि हम चावल आपका नहीं लेंगे। वैसे इसमें भी है, अभी क्या होता है, जैसे अगर हम अब इसी मुद्दे पर बात करें नेपाल पर, तो नेपाल में क्या होता है कि हमारे यहाँ जो सब्जी और फल जाते हैं वो जहाँ भी जाते हैं वो काठमांडू भेजते हैं, वे लोग खरीदने के बाद वो भेजते हैं, जांच की लंबी प्रक्रिया होती है। अभी उनकी शर्त ये है, उन्होंने साफ कह दिया कि आपके जो सब्जियां, आपके जो फल आ रहे हैं इसमें कीटनाशक बहुत ज़्यादा है, आप अपने लैब में इसकी जांच कराइए, वहां से पूरा क्लियर होना चाहिए कि हाँ जो उनके मानक हैं उनके अनुसार आपने कीटनाशक का प्रयोग किया है, तब वो खरीदेंगे। और अभी जो रिपोर्ट अभी तक पता चली है, चूँकि मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत ज़्यादा इसको लेकर चर्चा नहीं हो रही, लेकिन एक खतरे की घंटी है। जैसा कि आपने कहा कि पहली बार नहीं है, पिछले दिनों मैंने खबर की थी, FDA है जो अमेरिका की संस्था है जो कीटनाशकों को के रोक टोक पे काम करती है, और जो समुद्री जो चीज़ें आती हैं उनके देशों, सी फूड, उन पे उनके मानकों पे काम करती है, तो उसने भारत के लगभग 26 खेप जो झींगे मछली जा रही थी उनको वापस कर दिया। उनका ये कहना था कि आपने जो कीटनाशक का प्रयोग किया ये हमारे मानकों से बहुत ज़्यादा है, और अगर आप उसका साइड इफेक्ट क्या पड़ेगा देश के ऊपर, अगर आप ये देख लेंगे तो जो अमेरिका में कुल सी फूड खाया जाता है पूरी दुनिया का, उसमें भारत की हिस्सेदारी 32% है। तो इससे आप अनुमान अगर आप लगाइए कि कितना बड़ा व्यापार है, और ये कीटनाशकों का जो अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है ज़्यादा उत्पाद लेने के चक्कर में, उसका ये फल मिल रहा है किसानों को। एक और बात, भारत में बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड हैं जो दूसरे देशों में पाबंदी लगी हुई, लेकिन भारत में लगातार जा रही है। यहाँ पे सब्जियों में ऐसे कीटनाशक डाले जा रहे हैं जो लोग गन्ने में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको, जो लोग कैंसर के लिए जिनको उत्तरदायी माना गया है, बाहर जिन पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया में लगातार उनको घेरा जा रहा है, लेकिन भारत में उनको लेकर के हमारी जो नीति है वो इतनी लचर रही है कि हम उन पे रोक नहीं लगा। गांव कनेक्शन ने लगातार ऐसी कई सारी खबरें की हैं, कई सारी स्टोरीज की हैं। हमने खुद की एक सीरीज चलाई थी खेती में देसी क्रांति, उसमें और पेस्टिसाइड को लेकर जो खबर थी उसे हमने बार बार बताया था, कितने सारे ऐसे पेस्टिसाइड हैं जो सिर्फ भारत में चल रहे हैं, भारत में उनको उन पर कोई पाबंदी नहीं लग पाई है। इंडोसल्फान जैसा जो इतना घातक पेस्टिसाइड था, जिसने केरल में, जिसने सिक्किम में बहुत बड़ी तबाही मचाई थी, वो तो 2017 में बैन हो पाया, और अभी ऐसी संख्या 100 है करीब। जो सिविल सोसाइटी है जो इनको लेके काम कर रही, सुप्रीम कोर्ट में उनकी लगातार लड़ाई जा रही है, कविता कुलग्रंथी जी जैसे लोग जो हैं वो लगातार इसको लेके काम कर रहे हैं, बावजूद इसके भारत का जो लोग हैं वो उसको समझ नहीं रहे। और किसान को इसमें एक बड़ा फैक्टर याद रहा है कि किसान भी क्या करे, क्योंकि वो भी ऐसे तो जा नहीं सकता, ऐसे जा नहीं सकता है, उसको पैसे चाहिए। अभी आप गल्फ कंट्री की बात कर रहे थे, तो भी पिछले साल की बात है, बहुत सारे गल्फ कंट्रीज़ हैं जो उन्होंने बासमती को लेके काफ़ी बवाल किया था, जो पंजाब और हरियाणा में बासमती होता है, पंजाब में तो बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा पैदावार बासमती की पंजाब में होती है, अच्छी किस्म है चावल की, बहुत सारे कुवैत ने, दुबई ने, इन्होंने कहा था कि हम आपका चावल बासमती नहीं खरीदेंगे, इसलिए उन्होंने मना किया कि वहाँ भी यही मामला था, उनके मानकों के अनुसार जो उनके नियम है उससे ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा था।
अभी तो पंजाब सरकार ने जो अभी सरकार है उन्होंने नियम भी लगाया है और वो जागरूक कर रहे हैं किसानों को कि कीटनाशक आप डालिए, पेस्टिसाइड आप डालिए, डालना गलत नहीं है लेकिन उसकी सीमा कितनी होनी चाहिए। तो उन्होंने अभी कुछ मुहिम शुरू की है कि जो बोरियों पर कीटनाशक मिल रहे हैं उस पर लिखा हुआ है कि आप इतने खेत में इतने जोत में इतना डालिए। तो बासमती को लेकर भी बहुत सारी मुश्किलें थी, मार्केट में दाम भी गिर गए थे पिछले साल बासमती को लेकर, क्योंकि जो ये खबर फैलती है ना निगेटिव खबर तो उसका असर दिखा बाज़ारों में। और ये अगर हम नहीं सही हों, अगर इस पर कार्रवाई आगे नहीं होगी या अगर कड़े नियम नहीं होंगे तो ये एक तो ये भी शुरुआत है क्योंकि सेहत से जुड़ा हुआ मामला है और सब चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, बिल्कुल हम स्वस्थ रहें, हम अच्छी चीज़ें खरीदते हैं इसलिए पैसे डॉक्टर क्यों दें। हाँ, हम लोगों की यह है कि हम अच्छा खाएंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। तो अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग अभी और नुकसान देगा किसानों को। और ये सिर्फ जो इस तरह का प्रवृत्ति है वो किसानों को भी फायदा पहुँचाते हैं। आपके खेत की ज़रूरत सिर्फ 2 ग्राम की है लेकिन आप उसमें आधा किलो डाल रहे हैं तो किसान क्या है कि वो आपके पैसे जा रहे हैं। तो किसानों को भी यहाँ पे समझने की जरूरत है लेकिन दिक्कत क्या है कि उनको बताए कौन। भारत में खेती राज्य का सब्जेक्ट है, एक राज्य की जिम्मेदारी होती है कि वो बताए लोगों को कि उसे क्या करना क्या नहीं करना है, यानी कि एग्रीकल्चर एडवोकेसी में काम करें। लेकिन जो एक्सटेंशन का काम है, जो प्रचार प्रसार का काम है, वो हमारे यहाँ उसके पुर्जे हिले हुए हैं। कौन कर्मचारी जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, कैसे काम हो रहा है, वो उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। ये सब काम केवीके के माध्यम से होने चाहिए लेकिन पिछले अगर कुछ दिनों की बात करें तो कुछ के हम लोग केवीके को जानते हैं, ज़्यादातर केवीके के काम जो है वो फाइलों में होकर रह गए हैं। तो इन सबको बताने की जरूरत है कि किसान को तो ऐसी खेती इतने घाटे में है, अगर वहाँ पे इस तरह के नुकसान अगर होते हैं, अगर नेपाल जैसे और देश खड़े होते हैं तो ये बड़ी मुसीबत हमारे सामने आ सकती है। अभी सरकार को तुरंत इस पे फैसला लेना चाहिए, दखल देना चाहिए। साथ में ये भी कि दखल सिर्फ ये नहीं कि नेपाल के लोग खाएं, उनका अधिकार है कि वो अच्छा खाएं, वो आप एक नैतिक जिम्मेदारी के नाते उनको नहीं कह सकते कि आप ये ले ही। बस ज़रूरत ये है कि हमारे यहाँ ये तय हो कि जो बाज़ार में जा रहा है उनका ही देश क्यों, हम खुद जो सब्जी खाने वाले लोग हैं उसको समझ जाए, हम समझ जाए। महत्वपूर्ण बात समझिए ना कि मतलब नेपाल से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, अच्छे संबंध हैं, हमारा अच्छा पड़ोसी देश है। वे कह रहा है कि आप जांच करके भेजिए लेकिन आप सोचिए ना कि एक दूसरा पहलू कितना भयावह है कि हमारे यहाँ जो सब्जियाँ आती हैं उसकी जाँच होती नहीं होती है। आप खुद नहीं खाते हैं, अगर आप सब्जी खाते हैं, हम आप सब्जी खाते हैं, कभी आपको पता है आपकी सब्जी में क्या डाला गया है? आपने जो हरी मिर्च खाई, जो भिंडी खाई है, जो आपने गन्ना का इस्तेमाल किया, पता कितने हानिकारक पेस्टिसाइड डाले गए होंगे? नहीं पता, कोई जानना भी नहीं चाहता। इसलिए ज़रूरी है ये कि सरकार इन पे अहम फैसला ले, लोगों को जागरूक करें। सबसे बड़ी यहाँ पे सबसे धारदार हथियार जो काम करेगा वो है जागरूकता। अगर सिर्फ आप वो कंपनी किसानों को जागरूक करने से लेकिन काम नहीं होगा, आप पहले वो सारे चीज़ जो है उन कंपनियों को बंद करिए, ऐसा ना हो किसान को समझा दीजिए कंपनियाँ बेच रही हैं तो उनको ज़रूरत है। साथ में वो जो नेटवर्क है जो कि गाँव मोहल्ले में जो दुकानें खुली हुई हैं उनको भी बताने जरूरत, क्योंकि ज़्यादातर किसान जब एग्रीकल्चर नेटवर्क का आदमी वहाँ पहुँचता नहीं है तो वो वही काम करते हैं जो उनको बताता है दुकानदार, और दुकानदार क्यों नहीं चाहेगा उससे ज़्यादा सामान बिके, ज़्यादा उसका प्रोडक्ट बिके। इसलिए नेपाल का जो ये सब्जी प्रकरण है ये हमारे लिए एक खतरे की घंटी है और हमें लग रहा है इस पर सरकार को चाहिए कि तुरंत कार्रवाई करे, सरकार को तुरंत फैसले ले और फैसले तो ले, साथ में ये भी तय करे कि हमारे यहाँ पे जो आम लोग, हमारे जो देश के लोग सब्जी खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, उसमें जो कीटनाशकों का मानक क्या है उस पर भी काम होना चाहिए। और ये अगर देखिए अगर आप मोदी जी की स्पीच सुनेंगे जो उन्होंने पिछले साल बजट में वित्त मंत्री ने दिया था या जो मोदी जी बार बार कहते रहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी तब होगी जब हमारा निर्यात बढ़ेगा, और निर्यात तब बढ़ेगा जब ये सब अड़चने नहीं पैदा होंगी, जब हमारा माल जो है, जो हमारा उत्पाद जो हमारे अच्छा जो है वो अगर अप टू मार्क होंगे, यानी कि जो बाहर के लोगों ने तय कर रखा है बेंचमार्क उसके आसपास होंगे, स्टैंडर्ड पे होंगे तब होंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जो लोग कहते हैं कि हमारा माल, हमारे उत्पाद की अच्छी कीमतें नहीं मिले, उनको यहाँ भी देखना पड़ेगा। आप क्वान्टिटी प्रोड्यूस कर रहे हो लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है ये भी आपको नज़र में रखनी पड़ेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके, हमारी इस कोशिश का सिर्फ कहना इतना ही था कि आप जागरूक रहिए और सरकार पे दबाव बनाइए कि वो ऐसे सिस्टम की व्यवस्था करे, ऐसे एक ऐसा तंत्र बने कि हमारे खेतों में हमारे जो सब्जियां आ रही हैं, जो किसान डाल रहा है, उन सब के बीच एक सामंजस्य हो और हम एक अच्छा और क्या कहते हैं शुद्ध खाना खा सकें। धन्यवाद।